हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं अश्विन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो गेम दिखाने जा रहा हूं वो सिंपली ब्रेथ टेकिंग गेम है, जहां पे वाइट ने अपने सारे के सारे पीस सेक्रीफाइस करने के बाद विन दर्ज की। ये गेम जो है 1993 में खेली गई थी, जहाँ पर वाइट साइड से खेल रहे ग्रिगोरी शर्पर, जो कि उज़्बेकिस्तान से है, बट फिलहाल के लिए वो जो है US नेशनल है और US चेस फेडरेशन की ओर से खेलते हैं। उनके सामने है आयोनिस निकोलाइडिस, जो कि ग्रीक ग्रैंड मास्टर है। तो आइए शुरू करते हैं गेम। यहाँ पे शर्पर ने गेम की शुरुआत की C4 से, एंड नाउ G6, E4, बिशप G7, D4, D6, नाइट C3, नाइट F6, नाइट G2 E2, नाइट B2 D7। और ये दोस्तों काफ़ी नॉर्मल जो है किंग्स इंडियन सेटअप है। नाइट G3, नाउ C6, बिशप E2, A6, बिशप E3, H5, एंड नाउ F3, B5, C5, ऑन कैप्चर ऑन C5, पॉन कैप्चर ऑन C5। और यहाँ पे क्वीन C7 के बाद सर्पर ने जो है वो कैसल किया। और दोस्तों अभी देखिए, ओपनिंग स्टेज है वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। अब हम देखते हैं मिडिल गेम कैसे जो है कंटिन्यू होती है, जहाँ से वाइट ने जो है आगे चल के काफ़ी बढ़िया सेक्रीफाइस दिए हैं। H4 नाइट पे अटैक है, सो नाइट H1 ओनली मूव, एंड नाउ नाइट H5, सो नाइट जो है F4 पे आ रही है, सो क्वीन D2, E5, एंड नाउ नाइट F2, नाइट की पोजीशन इम्प्रूव की, नाइट F8, सो माइट भी ये नाइट जो है वो E6 पे जा रही है, जहाँ से आगे चल के वो जो है F4 से या तो फिर D4 पे लैंड हो सकती है। यहाँ पे F4 खेला सर्पर ने, एंड नाउ B4। और ये दोस्तों अब जो है गेम की सही शुरुआत है। यहाँ पे सर्पर ने खेला नाइट D5, अपनी नाइट का सेक्रीफाइस दिया, और यहाँ पे नाइट का सेक्रीफाइस वो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कुछ और खेलते हो, से क्वीन पे अटैक है, और अगर आप फॉर एग्जांपल क्वीन जो है उसको D8 पे खेलते हो, एंड नाउ नाइट B6, और यहाँ पे वाइट को मिनिमम एक पोन मिल सकता है, बट वो पोन जो है वो दोस्तों पास पोन बन जाएगा। मैं वो लाइन यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, उसे क्वीन कैप्चर्स ऑन D2 एंड देन बिशप कैप्चर्स ऑन D2। ऑफकोर्स B4 मिल रहा है, बट उसको मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। रुक B8 के बाद हम नाइट कैप्चर्स ऑन C8 खेल सकते हैं। रुक कैप्चर C8, नाउ बिशप कैप्चर्स ऑन A6। रुक पे अटैक है, और उसके बाद हम अपना बिशप मूव करेंगे, और ये पास पोन जो है वो सिंपली पुश होना शुरू हो जाएगा। सो यहाँ पे वाइट के पास जो है विनिंग पोजीशन आ सकती है, इसलिए नाइट D5 के बाद यहाँ पे ब्लैक के लिए ज़रूरी है कि वो जो है पोन कैप्चर्स ऑन D5 खेले, एंड नाउ पोन कैप्चर्स ऑन D5। सो अभी देखिए यहाँ पे दोनों पोन जो है वो काफ़ी डेंजरस बन चुके हैं। F5, एंड नाउ D6, क्वीन पे अटैक है, एंड नाउ क्वीन C6, और अब दोस्तों दूसरे पीस का सेक्रीफाइस बिशप B5। सो अभी यहाँ पे सेक्रीफाइस लेना फोर्स, अदरवाइज आपकी क्वीन जा रही है। सो ए कैप्चर्स ऑन B5, ए कैप्चर्स ऑन B5, और इस पोजीशन में एक्चुअली ब्लैक ने जो है वो क्वीन कैप्चर्स ऑन B5 खेला और अपना रुक दे दिया। से वो यहाँ पे क्वीन B7 के लिए जाता है, बट देन C6, और अभी आपको अपनी क्वीन कहाँ पे मूव करनी पड़ेगी। से आप क्वीन B8 जाते हो, देन सिंपली पोन पुश है, वो भी काफ़ी डेंजरस है। इवन दिस पोन पुश वो भी डेंजरस है। सो यहाँ पे से आप रुक कैप्चर्स ऑन A1 खेलते हो। आपका आइडिया ये है कि पोन कैप्चर्स ऑन B7 के बाद आप रुक कैप्चर्स F1 खेलोगे, किंग कैप्चर्स F1, और अभी बिशप कैप्चर्स ऑन B7। जिस केस में क्या हो रहा है दोस्तों, कि ब्लैक जो है उसके पास तीन पीसेस है, रुक और दो माइनर पीसेस फॉर क्वीन। नॉर्मल कंडीशन में काफ़ी अच्छी पोजीशन होती है, बट यहाँ पे देखा जाए तो ब्लैक के पीसेस जो है वो कुछ कोऑर्डिनेट ही नहीं करे। दूसरी ओर हम जो है क्वीन कैप्चर्स B4 खेल सकते हैं, एंड देन वाइट की क्वीन जो है वो यहाँ पे काफ़ी डेंजरस है, क्योंकि ब्लैक का किंग जो है वो काफ़ी वीक है। सो ए कैप्चर्स ऑन B5 के बाद शायद इसीलिए ब्लैक ने जो है यहाँ पे क्वीन कैप्चर्स ऑन B5 खेला और अपना रुक दे दिया। नाउ रुक कैप्चर्स ऑन A8, क्वीन C6, रुक पे अटैक है, सो रुक टू A1, एंड नाउ F4, सो बिशप पे अटैक है। और दोस्तों वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए क्या खेलोगे। रेडी? यहाँ पे सर्पर ने अपने इस बिशप की भी परवाह नहीं की, उन्होंने खेला रुक टू जस्ट A7। और अगर आप यहाँ पे F कैप्चर्स ऑन E3 खेलते हो, देन सिंपली रुक कैप्चर्स ऑन C8 जो है विनिंग है। पॉइंट ये है कि क्वीन कैप्चर्स C8 के बाद रुक E7 चेक, किंग D8, और अभी देखिए क्वीन कैप्चर्स ऑन B4, और अब हम जो है आपको अपनी नाइट भी दे रहे हैं। से आप नाइट को कैप्चर करते हो विद चेक, देन किंग कैप्चर्स ऑन F2, और यहाँ पे अभी क्वीन F5 एंड क्वीन B6 को स्टॉप करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। से आप नाइट E6 खेलते हो, देन एटलीस्ट क्वीन F5 में आप जो है नाइट बीच में डाल सको, बट देन दोस्तों सिंपली जो है क्वीन टू F5 चेक, नाइट C7, रुक कैप्चर्स ऑन C7, सो क्वीन पे अटैक है, और अगर आप उसको कैप्चर करते हो देन दो मूव में चेकमेट हो जाएगी। और से आप क्वीन कहीं पे मूव करते हो लाइक B8, बट देन रुक E7,
नाउ किंग C8 के बाद D7 जो है वो सिंपल विनिंग है, क्योंकि किंग मूव होते ही पोन प्रमोशन जो है वो क्वीन में होगा और साथ साथ वहाँ पे डिस्कवर चेक भी होगा लाइक दिस। सो ये पोजीशन भी वाइट के लिए कम्प्लीटली विनिंग है। सो दोस्तों गेम में क्या हुआ कि रुक A7 के बाद यहाँ पे ब्लैक ने जो है इस बिशप को कैप्चर नहीं किया, उन्होंने खेला नाइट D7। सो एटलीस्ट जो है आगे चल के रुक E7 ना पाए। रुक कैप्चर्स ऑन C8 एंड नाउ क्वीन कैप्चर्स ऑन C8 क्वीन D5। और अब देखिए ब्लैक की विनम्रता कि वो जो है क्वीन E6 को स्टॉप ही नहीं कर सकता। F कैप्चर्स ऑन E3। सो एक और बिशप का सेक्रीफाइस था वो, क्वीन E6 चेक, किंग F8 एंड नाउ रुक कैप्चर्स ऑन D7। सो अभी दोस्तों यहाँ पे थ्रेट है मेरी चेकमेट की। सो पहले ब्लैक ने जो है नाइट को भी कैप्चर किया विद चेक एंड नाउ किंग F1। यहाँ पे काफ़ी ज़रूरी था कि आप जो है किंग कैप्चर्स ऑन F2 ना खेले, अदरवाइज क्वीन कैप्चर्स पोन आ सकता था, उसके बाद शायद वहाँ पे जो है परपेचुअल चेक बन जाए। बट किंग F1 और अभी कोई चेक नहीं है, सो आपको जो है अपनी चेकमेट सेव करनी होगी। क्वीन E8 और अब वाइट ने अपना यह रुक भी सेक्रीफाइस कर दिया, रुक F7, क्वीन कैप्चर्स ऑन F7। सो अभी देखिए दोस्तों वाइट जो है ऑलरेडी 3 पीस डाउन है, उसने अपने 3 पीस सेक्रीफाइस कर दिए। अब क्वीन C8 एक ही मूव है, क्वीन E8 और अब पोन D7। सो अगर आप कैप्चर करते हो देन नई क्वीन बोर्ड पे आ जाएगी। सो किंग F7 खेला गया, जिस केस में पोन कैप्चर्स अ क्वीन, रुक कैप्चर्स क्वीन और अब यहाँ पे सर्पर ने सिंपली क्वीन B7 खेला एंड नाउ रुक E7 C6। सो अगेन अगर आप कैप्चर करते हो देन पोन कैप्चर्स और उसके बाद जो है पोन प्रमोशन B8 होगा, जिसको आप स्टॉप नहीं कर सकते। सो यहाँ पे E4 खेला गया। सो अभी ब्लैक की थ्रेट ये है कि वो रुक से क्वीन कैप्चर करेगा, जब पोन कैप्चर्स रुक होगा तब जो है बाद में वो बिशप E5 पे खेल सकता है और पोन प्रमोशन का जो स्क्वायर है उसको कवर कर सकता है। सो यहाँ पे C7 एंड नाउ E3, क्वीन D5 चेक, किंग F6, क्वीन D6। बट उससे पहले दिखा दूँ दोस्तों कि C7 के बाद जब E3 खेला गया तब हम यहाँ पे नई क्वीन नहीं बना सकते हो, क्योंकि हम अगर नई क्वीन बनाएंगे देन पोन पुश चेक, किंग कैप्चर्स पोन एंड नाउ पोन प्रमोशन इनटू क्वीन और उल्टी वाइट की चेकमेट हो जाएगी। सो E3 के बाद एक्चुअली क्वीन D5 चेक खेला गया एंड नाउ किंग F6, क्वीन D6 चेक, किंग F7, क्वीन D5, किंग F6 और क्वीन D6। और दोस्तों ये सब इसलिए किया ताकि एटलीस्ट वाइट जो है 40 मूव्स तक पहुँच पाए। यहाँ पे किंग F7 और यहाँ पे 40 मूव कंप्लीट हो चुकी है, टाइम कंट्रोल फिनिश। शो वाइट को जो है दूसरा टाइम एडिशनल थिंक करने के लिए मिल गया और उन्होंने जो है क्वीन कैप्चर्स ऑन E7 खेला और अपनी क्वीन का भी सेक्रीफाइस दे दिया। और ये पोजीशन देखिए दोस्तों जिसमें वाइट ने अपने सारे के सारे पीसीस जो है उसका सेक्रीफाइस दे दिया है। यहाँ पे C8 इक्वल्स टू क्वीन एंड नाउ बिशप H6, क्वीन C5 चेक, किंग E8, क्वीन B5 चेक, किंग D8, क्वीन B6 चेक और अब जो है G6 पोन फॉल हो गया, क्वीन कैप्चर्स ऑन G6 एंड नाउ E2। और दोस्तों ये पोजीशन जो है उसमें अगर आप E2 का पोन कैप्चर करते हो देन नाइट C5 में आपकी क्वीन जा रही है। सो किंग कैप्चर्स ऑन F2 फोर्स और अब लास्ट ट्रिक बिशप E3। और अब अगर आप बिशप को कैप्चर करते हो देन सिंपली जो है पोन प्रमोशन इनटू क्वीन और वहां पे ब्लैक विन हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप किंग कैप्चर्स E2 खेलते हो देन नाइट F4 में जो है वो आपकी क्वीन चली जाएगी। सो यहां पे दोनों ही मूव पॉसिबल नहीं थी, बट इस केस में आप जो है किंग E1 खेल सकते हो और अब ब्लैक की कोई भी थ्रेट नहीं है। ब्लैक को जो है अपनी नाइट F4 पे मूव करनी पड़ेगी और उसके बाद वाइट की क्वीन जो है स्लोली स्लोली दूसरे पोन ईट करना शुरू कर देगी। और नाइट F4 वाली जैसे ही वहां से दूर होती है नाइट F4, हम जो है सिंपली इस पोन को विन कर सकते हैं। सो दोस्तों कैसी लगी आपको गेम और आज का ये वीडियो, आई होप मेरा वीडियो जो है आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए और अपनी कमेंट देना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।